मुझे कबूतरबाजी का बिल्कुल भी शौक नहीं था। अच्छा। और कोई इतना कबूतरबाजी से इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने कॉलेज खत्म किया तो उसके बाद मेरा दिल था कि मैं पढ़ाई कर लूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मैं था अपने अबू का एक ही बेटा, उनको बहुत बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ये कबूतरबाज बने। अच्छा। उन्होंने मुझे इस चक्कर में फंसाया। अच्छा। फंसाया भी इस तरह है कि मेरे देरा शेरा बना के छत बनाइए स्पेशल, और मैं इस चक्कर में था कि हम सिर्फ टूर्नामेंट ही खेलेंगे। सही। लेकिन उन्होंने मुझे पहले साल बाजियां लगवा दी बहुत बड़े बड़े उस्तादों के साथ, राजा काका साहब के साथ, मीर नवाज साहब के साथ, खालिद खटक हो गए, सरदार इमरान साहब, और उस साल मैं उनसे बड़ा गंदा होकर हारा था। अच्छा। काका साहब से तो मैं 6-0 से हारा था। अच्छा। उसके बाद फिर वही बना के यार नहीं हम खेल रहे हैं अब उनके साथ, अब सबसे मुश्किल काम तो यही है। अबू कहते हैं कि भाई कबूतरबाजी में कि आप हार गए और वो भी 6-0 से हार गए। उसके बाद हमने कहा नहीं हम टारगेट करेंगे इंशाल्लाह उनके साथ खेलेंगे जीतेंगे। तो मुखालफीन में आपका मुखालिफ कौन ऐसा जो आपकी जिंदगी का जो आप समझते हो ये मुझे टफ कॉम्पिटिशन भी देता है और इसके साथ बाजी का मजा भी आता है? वो दो खिलाड़ी हैं जी, उनसे अच्छा खिलाड़ी मेरे हिसाब से हमारे हरीफों में कोई भी नहीं है। और भी बहुत बड़े नाम हैं जिन सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन टफेस्ट जो है ना सबसे वो ताजीमुल्ला जान बनू से हैं जी। ताजीमुल्ला जान और तानीम खान दोनों बनू से बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वो 125 करोड़ 26 कर देते हैं। अच्छा। और हर साल हमारे उनके साथ वन टू बॉल खेलते हैं, जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी गेम खेलते हैं। और कभी भी हमारे मुनसिफ का कभी ये गिला नहीं आया कि उन्होंने हमारे साथ कोई ज्यादती की है या सख्ती की है या नहीं। और बहुत अच्छे